नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानने वाले हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने जीवन के हर आयाम में बहुत बेहतरी से काम किया। ये हैं प्रबोधनकर ठाकरे जी, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के पिताजी। तो जानते हैं इनके बारे में, शुरू करते हैं। प्रबोधनकर ठाकरे जी का 131वीं जयंती अब आने वाली है, तो जानते हैं इनके महान व्यक्तित्व के बारे में। प्रबोधनकर केशव सीताराम ठाकरे इनका पूरा नाम है। इनकी पहचान एक सामान्य रूप से इनकी पहचान सत्य शोधक, समाज सुधारक और प्रभावी लेखक की रही है, लेकिन इनका कृतित्व और प्रतिभा अनेकानेक रंगों में पुष्पित पल्लवित हुआ। ये एक विचारवंत, नेता, लेखक, पत्रकार, संपादक, प्रकाशक, वक्ता, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, इतिहास संशोधक, नाटककार, सिनेमा पटकथा, संवाद लेखक, अभिनेता, संगीतज्ञ, आंदोलनकारी, शिक्षक, भाषाविद, लघु उद्योजक, फोटोग्राफर, टाइपिस्ट, चित्रकार जैसे दर्जनों विशेषण भी इनके लिए कम है। इस एक व्यक्ति इन सारे गुणों को धारण करने वाला एक व्यक्ति, तो इतनी कैपेसिटी साधारण आदमी में तो नहीं हो सकती है। तो ऐसे ये महान आत्मा थे। तो इन्होंने कोई एक गुण पकड़ के खजूर की तरह ऊंचा उठने के बजाय वट वृक्ष की तरह इन्होंने अपनी ज्ञान प्रतिभा क्षमता को फैलाया और उससे महाराष्ट्र की आम जनता को काफी लाभ हुआ। इनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जैसे 100 व्यक्ति जी रहे हों और ये अकेले जी रहे हों, इस हिसाब से था। क्योंकि तो इतना गुण एक आदमी अकेले लेके चल रहा है, मतलब उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता 100 आदमी के बराबर थी। तो ऐसे ये महान व्यक्तित्व थे। तो इनके सामने अगर कुछ अन्याय होता दिखता था तो ये उसमें कूद जाते थे। एक प्रबल वक्ता, आंदोलनकारी, समाज सुधारक होने के वजह से इन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को एक नई दिशा दी। 20वीं सदी में महाराष्ट्र को एक नई दिशा देने वाला व्यक्तित्व, मुट्ठी भर लोगों के घरों में दबे हुए सामर्थ्य के प्रकाश को अपनी बुद्धिमत्ता और आंदोलन से सर्वसामान्य घरों तक पहुंचाया। विचार और कृति के माध्यम से महाराष्ट्र का इतिहास और भूगोल बदलने का श्रेय जिन चंद लोगों के नाम दर्ज है, उनमें प्रबोधनकर ठाकरे जी अग्रणी हैं। उन्हें किसी चौकट में फंसना अमान्य था, मतलब वो किसी एक बाउंड्री में फंस के नहीं रहे हैं। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इसी के चलते आज भी किसी एक विचारधारा या इज्म का चश्मा डालकर उनको नहीं देखा जा सकता। वे एक ही समय में बहुजनवादी भी थे और हिंदुत्ववादी भी। जिन लोगों को प्रबोधनकर अच्छे लगे, उन्हें उनका ठाकरे होना अच्छा नहीं लगता था, और जो ठाकरे होने के चलते उनसे प्रेम में पड़े थे, उन्हें उनका प्रबोधनकर होने का दंश चलता रहा। परिणाम स्वरूप उनका कृतित्व सदा सर्वदा नेपथ्य में रह गया। तो जैसे कि पहले बताया गया है कि इनका जो है व्यक्तित्व एक लेखक के रूप में भी रहा है, एक साहित्यकार के रूप में भी रहा है। तो जानते हैं इनकी क्या-क्या रचनाएं हैं। प्रबोधनकर जी द्वारा लिखे हुए कुछ पुस्तक हैं। तो एक है उठ महाठ्या उठ, कुमारी कांचे शाप,
उदंडा चड़कार, खरा ब्राह्मण, ग्रामाच्या सांध्यात इतिहास, जुनिया आठवड़ी। तो ये इनके जो ग्रंथ हैं टोटल मराठी भाषा में है। तो किसी किसी को समझ में नहीं आ सकता है, तो मुझे जितना समझ में आता है मैं बताता हूँ। ये जुनिया आठवड़ी का मतलब होता है कि पुरानी याद, जैसे कि हिंदी में एक वर्ड है संस्मरण, जैसे कि आपके जीवन की पहले की घटना हो और याद आता हो, तो उसको हिंदी लेखकों ने संस्मरण कहा है। तो यहाँ जो है जुनिया आठवड़ी बोला जाता है। टाकलेले पोर, दगलबाज, देवड़ाचा धर्म आणि धर्माची देवड़े, देवाची परिषद, प्रताप सिंह छत्रपति आणि रंगो बापूजी। तो ये इतिहास शोध है, इन्होंने प्रताप सिंह छत्रपति अनि और रंगो बापूजी के बारे में इतिहास शोध किया है। भिक्षुक साहित्य बंड, ये भी इतिहास शोध है, रंगो बापूजी। तो रंगो बापूजी गुप्ते एक चरित्र है, ये भी कायस्थ है। पंडित रमाबाई सरस्वती चरित्र, वक्त वक्तृत्व शास्त्र, संगीत विविध निषेध, शनि महात्मा, श्वेतकांच्य स्वराज्य। श्वेतकांच्य स्वराज्य मतलब, ये श्वेतकांच्य मतलब जो खेतिहर हैं उनका स्वराज्य। श्री संत गाडगे बाबा, संगीत सीताशुद्धि, हिंदू जनाचा आणि अधापात, हिंदू जनाचा हास आणि अधापात। तो ये सब इनके लिखे हुए ग्रंथ हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। नमस्कार।